ऑल अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म फन एकेडमी। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर, और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। सो चलिए अपनी इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं एक शानदार से प्लेटफॉर्म पर। और जो भी बच्चे एनटीए की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं नेट के लिए, जो भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग, आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एनटीए कॉमर्स। और आप सभी बच्चों को मैं पेपर वन के लिए भी टीच कर रहा हूँ। सो आप सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं प्लस आइकॉनिक के लिए, ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्लस का। जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए कोर्सेस, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, क्विजेस मिल जाते हैं। कोई बच्चा जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोर्स, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटर प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे अभी 101। ठीक है, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये कोड आप चाहे प्लस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आइकॉनिक के लिए भी। और आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, प्लस के सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेते हैं तो डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें मैंने बता ही दी आप लोगों को। और साथ ही में आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है, कोड यहाँ पे ध्यान रखना है अभी 101 अप्लाई किया, जैसे आपको डेमो लाइव है वैसे अभी 101 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास प्लस आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो ये कंप्लीट बैच आप सभी बच्चों के लिए लॉन्च हो चुका है। चलिए, तो आप सभी बच्चे लोगों को ध्यान रखना है क्या, ये कुछ बैचेस हैं, इन बैचेस को जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन करना है। और आपकी कॉम्बो बैचेस हुए, चाहे आपके कंप्लीट कोर्स कंप्यूटर साइंस के लिए, चाहे कॉमर्स के लिए, कुछ आपके नवंबर में बैचेस स्टार्ट हुए थे, टेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो इनको आप जरूर ज्वाइन करें। और आप सभी बच्चों को एक चीज ये करना है कि आप लोगों को कुछ भी कंटेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है। ठीक है, स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डिवाइसेस में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ अपकमिंग स्पेशल्स हैं जो आप इनको मुझे रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड स्पेशल्स अवेलेबल हैं, आप सभी बच्चे लोग ज्वाइन कर सकते हैं इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये टारगेट जेआरएफ जो भी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही गजब का बैच आ रहा है। और मैं भी लेके आऊंगा आप लोगों को, जरूर कोई ना कोई सब्जेक्ट टीच करूंगा, शायद हो सकता है हायर एजुकेशन टीच करूं। ठीक है, टारगेट जेआरएफ के लिए आप सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाएं फॉर 2022 के लिए। तो पेपर टू तो है ही, जानते हैं आप सभी लोग, पेपर वन के लिए भी हम लोग लेके आएंगे, तो आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्लीट बैच पेपर वन का स्टार्ट हो रहा है लक्ष्य के नाम से, तो आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। सो लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय, श्रवण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, स्पीकर्स फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, मैसेज लोडेड विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया, या ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, चलिए तो आंसर आ गया है। डी, कोई भी, आप इस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी लिसनर जो है,
कोई भी लिसनर है अगर वो जो भी अफेक्ट अगर उसको करता है, तो अगर कुछ भी हम बड़ी जल्दी स्पीड में बड़ी तेज बोल रहे हैं स्पीड में, है ना, बहुत स्पीड में बोल रहे हैं अपनी चीजों को बोल रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा, तो उसको सामने वाला उसको फीडबैक क्या प्रोवाइड करेगा, है ना। क्योंकि एक्टिव लिसनिंग के लिए मतलब ये कि आपको पूरा ध्यान उधर है, पूरा का पूरा ध्यान उधर है, ठीक है, मतलब आप पूरी तरीके से उसको सुनना चाह रहे हैं, बट वो अगर सुनाना ही नहीं चाह रहा अच्छे से तो फिर क्या मतलब, है ना, मतलब स्पीड में इतना सुना रहा है, या फिर आप उस मैसेज को इतना गहराई में कि वो उतना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें वो भी आप बताया जा रहा है, मतलब इतना मैसेज लोड करके बता रहे हैं उनको कि कुछ चीजें जरूरी नहीं है तब भी बताए जा रहे हैं, है ना, या फिर ऐसा आप मीडियम यूज कर रहे हैं जो कि जरूरी ही नहीं है, ऐसे मीडिया का आप यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडवर्सली इफेक्ट करता है इसके अंदर। क्लियर आप सभी बच्चों को? तो ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल तीनों ही आपके बिल्कुल आंसर सही हो जाएंगे। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक। और दूसरी चीज, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, कोई भी अगर डाउट होता है तो आपको पूछना है, किसी भी डाउट को अगर कोई भी डाउट होता है तो तुरंत आपको पूछना है, ठीक है, और आंसर सभी बच्चों को करना है, ठीक है, आंसर आप सभी बच्चों को करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फीडबैक से निकटता से संबंधित है, मतलब का आपको क्या लगता है कि यहां पे एकदम प्रॉपर फीडबैक मिल पाता है एकदम प्रॉपर तरीके से, तो आपको क्या लगता है जल्दी से बताएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ह्यूरिस्टिक, या फिर साइबरनेटिक्स, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता है? नहीं, आपका ए बिल्कुल सही होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करते हैं ना, किसी पे एकदम मंथन करते हैं, है ना, किसी पे कुछ ज्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप उस पर सोच रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उस पर ज्यादा मंथन कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फीडबैक मिल पाएगा, बहुत क्लोज मिल पाएगा फीडबैक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिक्रिया एक श्रोता की होती है। फीडबैक इज अ लिसनर्स वर्बल क्रिटिक ऑफ योर मैसेज, एक्सेप्टेंस ऑफ मैसेज एंड वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू अ मैसेज, या फिर एवर्जन टू अ मैसेज, एक संदेश का विरोध। सो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए चलिए, तो आंसर आपका सी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही रिस्पॉन्स के लिए आपके लिसनर का फीडबैक रिक्वायर्ड होता है, मतलब ऐसे समझिए फीडबैक इज अ लिसनर्स वर्बल बोथ नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही के लिए, चाहे मैं आपको इशारे में समझा रहा हूं कोई चीज, चाहे वो मैं आपको कुछ लिख के बोलकर बताकर समझा रहा हूं, तो भी तो वहां पे फीडबैक जरूरी होता है, फीडबैक दोनों ही चीजों में जरूरी होता है, दोनों में ही रिस्पॉन्स का आना बहुत जरूरी है, और वो रिस्पॉन्स होता है फीडबैक के प्रति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम अपने दिमाग में विवरणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तो हम when we try to organize details in our minds, we are seeking to produce new ideas in our mind, process complex information and then categorize it, categorize difficult and easy pieces of information, या process simple information and categorize। जब हम अपने दिमाग को विवरणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तो हम हमारे दिमाग में नए विचार पैदा करें, जटिल जानकारी को संबंधित करें और फिर इसे वर्गीकृत करें, सूचना के कठिन और आसान टुकड़ों को वर्गीकृत करें, या सरल जानकारी संसाधित करें और वर्गीकृत करें। चलिए फटाफट बताएंगे।
चलिए, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज्ड इट, ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, सभी को एकदम ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में, मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा क्या, आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर्स करने हैं, ठीक है। प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट, हमेशा जटिल जानकारी को संसाधित करना है, कौन कौन सी चीजों को कहाँ कहाँ पे कैसे कैटेगराइज करना है, ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा, क्लियर है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है, विच इज द फीडबैक इन द न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन। जब हम न्यूज़पेपर की कम्युनिकेशन करते हैं, न्यूज़पेपर भी हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है, समझा रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। देखो, कम्युनिकेशन का मेन मुद्दा तो यही होता है, इंफॉर्मेशन बताना, सब कुछ बोलना, ये सारी चीजें वो होती है कम्युनिकेशन में। तो इसी तरीके से यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जब न्यूज़पेपर का कम्युनिकेशन होता है, न्यूज़पेपर भी हमें कुछ बताता है, इंफॉर्मेटिव चीजें बताता है, न्यूज बताता है ना, तो अब उन सारी चीजों को अगर वो बता रहा है न्यूज़पेपर, तो उसके प्रति हम अपना कैसे फीडबैक दे सकते हैं, आर्टिकल्स के थ्रू, एडिटोरियल्स के थ्रू, लेटर्स टू द एडिटर के थ्रू, या फिर न्यूज के थ्रू। चलिए बताएंगे क्या होगा इसमें से, फीडबैक क्या होगा न्यूज़पेपर के रिगार्ड्स में। चलिए, चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज लेटर्स टू द एडिटर। मतलब क्या, हम जब एडिटर्स को अपना लेटर लिख रहे होते हैं ना, जब अपना एडिटर को लेटर लिख रहे होते हैं, या हम ये कहें कि वो एक तरीके का ऐसा समझिए रिप्लाई ही होता है, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे होते हैं, रिप्लाई कर रहे होते हैं, इस चीज को आप लोगों को समझना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज लेटर्स टू द एडिटर। चलिए, तो रिप्लाई तो एक तरीके का फीडबैक होता है किसी भी कम्युनिकेटर के लिए, है ना। टू डिकोड मैसेजेस, टू किसी संदेश को डिकोड करना क्या है, इवेलुएट अ मैसेज, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू कोड, या रिजेक्ट अ मैसेज, या फिर इंटरप्रेट अ मैसेज। तो क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का, किसी संदेश को डिकोड करना क्या है, इवेल्युएशन करना मैसेज का, या आपको कोड को, मतलब सॉरी, आइडिया को ट्रांसलेट कर देना कोड के फॉर्म में, या उस मैसेज को ही रिजेक्ट कर देना, या फिर मैसेज को एक व्याख्यायित रूप में बताना, ठीक है, व्याख्या करना मैसेज का। चलिए, चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। टू डिकोड मैसेजेस, टू किसी संदेश को डिकोड करना क्या है, एक संदेश का मूल्यांकन करें, विचारों का कोड में अनुवाद करें, एक संदेश को अस्वीकार करें, या फिर एक संदेश की व्याख्या करें। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज इंटरप्रेट अ मैसेज, ठीक है, इंटरप्रेट अ मैसेज, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर कि हमेशा डिकोड करना मैसेज का मतलब यह है कि मैसेज को आप व्याख्या कर रहे हो, ठीक है, मैसेज को आप व्याख्या कर रहे हो। क्लियर है आप सभी बच्चों को। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संदेश एक संकेत है जो के रूप में कार्य करता है।
अ मैसेज इज अ सिग्नल दैट सर्व्स एज स्टिमुली फॉर अ सेंडर, स्टिमुली फॉर अ रिसीवर, स्टिमुली फॉर अ मास ऑडियंस या नॉइज रिडक्शन। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, ओनली आपके पास 10 सेकंड्स बचे। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी आंसर सभी बच्चे लोग करेंगे भाई। एक रिसीवर के लिए उत्तेजना, अ मैसेज सिग्नल दैट सर्व एज अ, एक रिसीवर के लिए एक उत्तेजना प्राप्ति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जब किसी मैसेज का सिग्नल प्राप्त होता है, कार्य करता है एक तरीके आप से समझिए, तो वो सिग्नल किस तरीके का कार्य करता है, एक मैसेज के लिए उत्तेजित, मतलब एक जो रिसीवर था उसको उत्तेजित करता है कि उसको सुने, उसको जाने, उसको समझे। हम कोई भी चीज बता रहे हैं, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या मेन एम है कि आपको चीजों चीजें समझ में आ जाए। मैं कुछ ऐसे तरीके का सिग्नल दे रहा हूं आप लोगों को, एक तरीके के जो भी बोलना भी एक तरीके का सिग्नल ही है आप लोगों को। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस सिग्नल की वजह से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सिग्नल क्या है, बोलना मेरा, ठीक है, जो मीडियम यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या है, जिसके इसके आधार पर आप हमें मुझे सुन पा रहे हैं, और जब आप ये सुन पा रहे हैं, जब इसका फीडबैक आएगा तो कहीं ना कहीं इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो चीजें समझा रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ, वो एक प्रॉपर वे में जा रही हैं, ठीक है, एक अच्छे संकेत के रूप में जा रहा है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी शब्द की वास्तुनिष्ठ परिभाषा इसकी है, द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इज इट्स इनडायरेक्ट मीनिंग, कोनोटेटिव मीनिंग, डिनोटिव मीनिंग या डायरेक्ट मीनिंग। ठीक है, किसी शब्द की वास्तुनिष्ठ परिभाषा इसकी क्या है, अप्रत्यक्ष का अर्थ, असांकेतिक अर्थ, सांकेतिक अर्थ या फिर प्रत्यक्ष अर्थ। सो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इज इट्स डायरेक्ट मीनिंग, कोनोटेटिव मीनिंग, डिनोटिव मीनिंग या डायरेक्ट मीनिंग, क्या होगा आंसर। चलो तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज डिनोटिव मीनिंग। ठीक है, डिनोटिव मीनिंग, सांकेतिक अर्थ, यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, किसी शब्द की वास्तुनिष्ठ जो परिभाषा वो है कि वो डिनोट करता है, एक संकेत प्राप्त करवाता है या फिर कैसे एक संकेत देता है। ठीक है, तो यहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी शब्द का सब्जेक्टिव अर्थ उसका क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था, यहां सब्जेक्टिव की बात हो रही है, ध्यान से समझना, दोनों ही चीजें हो रही हैं, वहां ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था, यहां पे सब्जेक्टिव की बात हो रही है। किसी सब्जेक्टिव मीनिंग, किसी या फिर किसी शब्द का सब्जेक्टिव अर्थ उसका क्या होता है, उसका डिनेटिव सांकेतिक अर्थ होता है, उसका अप्रत्यक्ष अर्थ होता है या एंटोनिम होता है, उल्टा, अपोजिट, एंटोनिम का मतलब समझते हैं ना, मतलब क्या होना, अपोजिट होना। ठीक है, और या फिर कोनोटेटिव मीनिंग, एक अर्थपूर्ण तरीके का एक अर्थ होता है। चलिए चलो जल्दी से बताएंगे, एक सेकेंड, और ये आंसर आपका डी बिल्कुल सही, एक अर्थपूर्ण अर्थ निकल पाता है किसी सब्जेक्टिव, जब आप अभी पा लीजिए किसी के जब मेंस का पेपर देते हैं तो पेपर टोटली मेंस का, किसका मेंस का पेपर का मतलब क्या, तो वो सब्जेक्टिव होता है, वो कोई भी सब्जेक्टिव जो है वो पेपर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, कोई भी मेंस का जब आप पेपर देते हैं, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी प्रकार का संकेत तो नहीं देता है, आपको ये पता है,
ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होता है आपने एक टिक करना होता है, उससे एक संकेत मिल जाता है आपको, मतलब वहां पे संकेत का प्राप्ति सीधे होता है। चार ऑप्शन दिए, इसका मतलब क्या, उस चार ऑप्शन में से कोई सा होगा, उस चार ऑप्शन में से ही कोई होगा। तो चार ऑप्शन में से ही कोई होगा कहने का मतलब क्या, एक तरीके का वो हिंट दे रहा है कि चार ऑप्शन में से कोई होगा। तो इसी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव का होता है, उसमें क्या करता है, डिनोट कर देता है, स्टार्टिंग में आपको संकेत कर देता है। लेकिन सब्जेक्टिव में तो एक लाइन दे दिया आपको, एक क्वेश्चन दे दिया आपको पूरा, अब आपको उसको अपने पूरे जो भी आप उस मतलब क्वेश्चन के थ्रू आपको लगता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसका एक प्रॉपर एक मीनिंग निकल कर आए, प्रॉपर उसका एक अर्थ निकल कर आए, तो उस अर्थ पूर्ण का अर्थ समझाते हैं आप, पूरा पूरा उस सब्जेक्टिव के ऊपर आप सारी चीजें लिखते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कोनोटेटिव मीनिंग होता है। कोई भी सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है उसका जो मतलब वो यही होता है कि उसका हम ज्यादा से ज्यादा अर्थपूर्ण अर्थ निकाल सकें। ठीक है, तो यहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है, ध्यान से समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स फीडबैक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, एनवायरमेंटल नॉइज, वर्बल नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेस, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर्स रिस्पॉन्सेस, यहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट अगर किसी बच्चे को कहीं भी होता है देन आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर्स रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे फीडबैक की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो रिसीवर का रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअल में फीडबैक का मतलब क्या है कि जो हम चीजें समझा रहे, जैसे मैंने आपको कोई भी टॉपिक समझाया, कोई भी टॉपिक पढ़ाया, ध्यान से समझिए, कोई भी टॉपिक समझाया, कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, और यहाँ पर फिर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों आपको क्लास कैसी लगी, बच्चों आपको चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में, पूछता हूँ ना ऐसे, बोलता हूँ ना मैं ऐसे, क्यों बोलता हूँ, रीजन रीजन क्या है इसके पीछे, आपको जो मैं बोलता हूँ इसका मतलब यह है कि मैं आप सभी बच्चों को जो समझाना चाह रहा हूँ, जो पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि जी सर समझ में आ गया, जी सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तो ये क्या है, कहीं एक प्रॉपर तरीके का फीडबैक है। अब वो अभी तो जैसे वर्बली मैं बता रहा हूँ आपको बोलकर, अब मैं अगर इसको एक्सप्रेशंस के थ्रू भी बताता हूँ या फिर किसी सिग्नल्स के थ्रू भी बताता हूँ, तो वह भी अगर आप जब रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जैसे कि आर्मी के लोग बात करते हैं, जैसे आर्मी में बात करते हैं ना, तो उसमें कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं आपके, किस तरीके से बात करते हैं आपके उसमें कि इशारों के थ्रू, तो उसमें भी रिस्पॉन्स होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स होना बड़ा जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रभावी संचार की आवश्यकता नहीं, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर चेंज इन स्पीच पैटर्न, एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, मास्टरी ऑफ कंटेंट, या हैंडसम पर्सनैलिटी। चलिए, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, एक प्रभावी संचार की आवश्यकता
नहीं है। चेंज इन स्पीच पैटर्न, अप्रोप्रिएट गेस्टर्स, मास्टरी ऑफ कंटेंट या फिर हैंडसम पर्सनैलिटी, सुंदर व्यक्तित्व, क्या लगता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। सभी बच्चों को हेलो हाय नमस्कार सभी बच्चों को। चलो तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज हैंडसम पर्सनैलिटी। अच्छा सॉरी ए पे क्लिक हो गया, हैंडसम पर्सनैलिटी यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज हैंडसम पर्सनैलिटी। मतलब क्या हुआ कि सुंदर व्यक्ति तो मायने नहीं रखता कि आप कितना सुंदर दिखते हैं, कितना अच्छा दिखते हैं, कितना गोरे हैं, कितने सांवले हैं, इससे व्यक्तित्व का मायने नहीं रखता कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, आप बहुत सुंदर है तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, या दिखने में अच्छे नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको बस एक स्किल चाहिए, एक तरीके का ये स्किल है, अपने बातों को कैसे आप रख पा रहे हैं, अपने चीजों को कैसे प्रभावित कर, अपने चीजों को बोलकर आप कैसे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी आपको मतलब पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एक अच्छी खासी मतलब गोरे या ऐसा सुंदर सुंदर बनना, ये सब पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत पड़ती है तो एक प्रॉपर स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप ट्रेंड पर्सन कितने हैं, ठीक है, कितना कम्युनिकेशन आपका बेटर है, कैसे लोगों को आप जल्दी कन्विंस कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो देयर इज अ नीड और देयर डजंट नीड फॉर अ हैंडसम पर्सनैलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो संदेशों की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द या शब्दों के लिए कालक्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टर्म क्रोनेमिक्स इज यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस, स्मेल, टेस्ट, टाइम या ऑल ऑफ द अबव, गंध, स्वाद या फिर समय या उपरोक्त में से सभी। सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल सलाम अलैकुम, आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बच्चे लोग, क्या होगा आंसर? चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छा एक बच्चा, एक सर हैं, मतलब वो पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन टीचिंग के लिए कौन सा पेन टैबलेट अच्छा होगा? सर वैकॉम CLT 675 है, XP-DECO 01V2। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, सब दोनों ही अपने में बेस्ट होते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप, मैं तो कहूँगा वो मतलब एक थोड़ा सा रीजनेबल रेट पे और अच्छा खासा चल जाता है और अच्छा है, तो वैकॉम वाला है, वैकॉम वाला आप ले सकते हैं। इसको हमने यूज़ भी किया है, यूज़ करते भी हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला ज़्यादा बेटर है आप अगर मेरी लाएंगे तो, हालांकि बेटर दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट हैं। ठीक है, तो वैकम वाला ले लीजिए, ये अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज समय। आप काफ़ी बच्चे इसको डी दे देंगे, है ना, ये सारे इसको इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संचार प्रक्रिया में एक रिसीवर, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एक रिसीवर क्या है, एक चैनल है या मैसेज को डिकोड करता है, या एक पर्सन है जो आइडिया को एनकोड करता है, या एक रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मैसेज इंटरफेस, संदेश के हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार होता है, बीच में हस्तक्षेप कर देना, ठीक है, इंटरफेयर कर देना मैसेज के अंदर, क्या यह एक रिसीवर का कार्य होता है? तो बताएंगे जल्दी से फटाफट क्या होगा।
चलिए चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, क्या कि आपके मैसेज को डीकोड करता है। ठीक है, देखो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ये चीज दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, रिसीवर का काम है डिकोड करना और सेंडर का काम है एनकोड करना। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। ये देखिए कितना इनडायरेक्टली तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली वे में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस और रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, रिसीवर हमेशा डिकोड करता है, सेंडर हमेशा एनकोड करता है, इसलिए रिसीवर को डिकोडर भी कहते हैं, सेंडर को एनकोडर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार चैनल का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज, क्या है? नॉइज, कॉन्टेक्स्ट, फेस टू फेस कन्वर्सेशन या फिर फीडबैक। सो क्या होगा आंसर, पर जल्दी से फटाफट करेंगे। चलिए चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज नॉइज, कॉन्टेक्स्ट, फेस टू फेस कन्वर्सेशन या फिर फीडबैक। क्या होगा आंसर? चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने सामने से बातचीत करना। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन जब हम करते हैं। ठीक है, बाकी तो आपका फीडबैक एक तरीके का रिस्पॉन्स का रूप करता है, नॉइज क्या एक तरीके का आपका बल्कि एक बैरियर है इसमें। ठीक है, तो यह बड़ा जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द वे वन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अराउंड वन सेल्फ इज, जिस तरह से कोई अपने आसपास की जानकारी की व्याख्या करता है वह क्या है? वह है ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, रिलेटेड टू वंस वैल्यूज, बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस या नन ऑफ दी अबव। हमेशा नकारात्मक, हमेशा सकारात्मक, किसी के मूल्यों और विश्वासों और पिछले अनुभवों से संबंधित या फिर नन ऑफ दी अबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए, आ जाएगी आंसर की, आ जाएगी, बस आधे घंटे से आप लोगों की क्लास चल रही होगी, अप्रोक्स मुझे लगता है आधे घंटे से चल रही होगी। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, रिलेटेड वंस वैल्यूज बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी की क्लासेस हम करेंगे नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए मिलते हैं फिर आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में ही, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और सभी स्टूडेंट जिनको क्लास पसंद आई, सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी बच्चे लोग कर देंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों से फिर से जल्द ही मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत खत्म करते हैं, अब तो शुरुआत कहाँ कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ 15 क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, तो इस 15 क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, सभी लोग अच्छे से इसको ध्यान देंगे और पढ़ाई करेंगे इन पे 15 क्वेश्चन के अंदर। बीच में कोई अगर डाउट होता है आप लोगों को, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर होता है। ठीक है, तो
चलिए, आपको इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो भी, आप स्पेशल क्लास पे मतलब लेना चाह रहे हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टीचर की क्लासेस पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिया गया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।